एक बार फिर से स्वागत है यार गाइज आपका अपने यूट्यूब चैनल एमके की पावर में। तो यार गाइज आज हम चल रहे हैं जहाँ पे दुर्लभ भाई हेलावाड़ी की उस जगह पे जहाँ पे दुर्लभ भाई हर सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाते थे। तो गाइज आज की इस वीडियो में आप लोगों को वो शिव मंदिर दिखाने वाला हूँ जहाँ पे दुर्लभ भाई अक्सर जाया करते थे। दोस्तों उज्जैन का फेमस मंदिर महाकालेश्वर जो तो उज्जैन के अंदर बना हुआ है लेकिन उज्जैन शहर के अंदर हेलावाड़ी गाँव जहाँ पे हेलावाड़ी गाँव में एक मंदिर है दोस्तों जिनका नाम शिव मंदिर से बोला जाता है। दोस्तों दुर्लभ केशव जो कि यार अपना काफ़ी प्यारा भाई था और काफ़ी अच्छा गैंगस्टर था और जिन्होंने छोटी सी उम्र के अंदर बहुत बड़ा नाम कमाया था। तो यार गाइस दुर्लभ केशव गैंगस्टर के साथ साथ भगवान शिव जी को भी बहुत मानते थे, मतलब कि माथे पे हमेशा लाल टीका और गले में गमछा और आँखों में सुरमा लगाए रहते थे। तो यार गाइस दुर्लभ की बात की जाए तो काफ़ी अच्छे इंसान थे दुर्लभ भाई और उनकी फैमिली भी काफ़ी अच्छी थी। तो गाइस आज हम उस मंदिर में चल रहे हैं जहाँ पे दुर्लभ भाई हर सोमवार को उस मंदिर में जाया करते थे। कभी सुबह भी जाते थे, कभी शाम को भी जाते थे, मतलब कि जब भी उनको टाइम मिलता था दिन में तब भी वो वहाँ पे जाते थे हर सोमवार को मंदिर में। तो यार गाइस चल रहे उसी जगह पे, आप वीडियो में बने रहेगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो यार गाइस देख सकते हो रोड भी काफ़ी ख़राब है और गाड़ियाँ भी आती जाती रहती है। गाइस ये जो मंदिर देख रहे हो आप ये हनुमान जी का मंदिर है दोस्तों, हनुमान जो कि यार अटल हनुमान क्षेत्र के नाम से जाना जाता है यहाँ पे। गाइस यहाँ पे काफ़ी मुड़ाव यार काफ़ी गहर है भैया आराम से यार। तो यार दोस्तों काफ़ी अच्छी लोकेशन है देखने लायक और घूमने लायक भी है और बाकी ये हाईवे जैसा रोड बना रखा है बहुत चौड़ा सा जिस पे आराम से गाड़ियाँ चल सकती है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो पहाड़ वगैरह यार काफ़ी हरे भरे हो गए हैं यहाँ पे बारिश की वजह से। दोस्तों ये डियर पार्क हिरन, मतलब इसके अंदर हिरन पाले जाते हैं इस तरफ जो भी गाड़ियाँ खड़ी थी, बाकी ये जंगली इलाका भी पाया जाता है इसके अंदर। दोस्तों पहाड़ी चारों तरफ पहाड़ी है और बीच में रोड बनी हुई है। और दोस्तों उस मंदिर में चल के मैं आप लोगों को दिखा दूँगा दोस्तों उस मंदिर से, मतलब कि दुर्लभ भाई की बहुत पुरानी रहस्य बातें भी जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों हम जल्दी से चलते हैं ताकि वीडियो बड़ी ना हो इसलिए मैं रोक रोक के बना रहा हूँ। तो गाइज अब हम सिटी एरिया के अंदर आ चुके हैं, मतलब कि एक मार्केट जैसा आ गया है, हम उसके अंदर प्रवेश कर चुके हैं। गाइज हम जल्दी जल्दी चल रहे ताकि आप लोगों को जल्दी से वहाँ मंदिर में पहुँचा दूँ और मैं भी भगवान जी के दर्शन कर लूँ। तो गाइज यार वीडियो में बन रहेगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो यार दोस्तों आप सामने देख सकते हो बहुत बड़ा मंदिर है दोस्तों, इसमें ब्रह्मा जी और हनुमान जी के सबके मतलब कि बने हुए इसके अंदर। बाकी यार गाइज भगवान जी से यही दुआ करते हैं कि यार दुर्लभ भाई बहुत अच्छे इंसान थे जिन्होंने यार छोटी सी उम्र के अंदर बहुत बड़ा नाम कमाया। गाइज यार दुर्लभ केशव की बात की जाए तो यार काफ़ी बड़े मतलब कि गैंगस्टर, मतलब छोटी सी उम्र में उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया यार गाइज। बाकी इस उम्र में कोई गैंगस्टर इतना नाम कोई नहीं कमा सकता। तो यार गाइज देख सकते हो सामने डंपर वगैरह चल रहे हैं, पीछे बाइक भी चल रही है। और गाइज अब हम मार्केट एरिया के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो यार गाइज ये मार्केट एरिया क्योंकि यार काफ़ी मतलब कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है यहाँ पे और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ को ऐसे प्रवेश की अनुमति नहीं है, फिर भी यार ये चले जाते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन ट्रैफिक के कारण पुलिस वाले भी परेशान हो रखे हैं इनसे, फिर भी नहीं मानते यार बड़ी बड़ी गाड़ियाँ वाले। लेकिन इन लोगों के लिए सरकार ने बहुत अच्छा काम कर दिया। अरे यार गाइज ये पता नहीं ये टेम्पो वाला भी यहीं पर रोक लिया। अरे यार बहुत ट्रैफिक हो रहा है दोस्तों यहाँ पर, बहुत ट्रैफिक। अरे भाई भाई धीरे 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 आराम से। तो गाइज आप देख सकते हो तो यार अभी मेरा एक्सीडेंट हो जाता था यार गाइज, धीरे आराम से भैया आराम से। तो गाइज यार देख सकते हो आपकी आगे कार चल रही है। अरे भैया आराम से। अरे भैया अभी तो ठोक देते यार, आराम से चलाओ ना यार भैया। तो यार गाइज देख सकते हो हम बस दोस्तों यार लोकेशन पे पहुंचने ही वाले हैं हम उस मंदिर के अंदर जहाँ पे दुर्लभ केशव जो कि यार गैंगस्टर दुर्लभ केशव गैंगस्टर। अरे भैया शोर। अरे गाइज यार इस इलाका में शोर भी बहुत पाए जाते हैं यार, मतलब कि पता नहीं कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। बाकी यार एरिया काफ़ी अच्छा है दोस्तों, देख सकते हो आप मार्केट एरिया है। और दोस्तों ये जो गेट देख सकते हो यार इस गाँव का मतलब कि बहुत बड़ा ग्राउंड बनाए रखा है, खेल ग्राउंड। यहाँ पे मतलब कि शाम को बच्चे कोई मतलब दौड़िंग भी लगाता है, रेसिंग भी करते हैं, बहुत सारे गेम खेलते रहते हैं इस ग्राउंड के अंदर। बाकी यार गाइज यहाँ की लोकेशन हमको काफ़ी अच्छी लगी और दोस्तों हम भी यहाँ पे घूम के जाएंगे यार आई है तो, बाकी आप लोगों के लिए। और दोस्तों आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमको बता देना दोस्तों, हम आप लोगों के लिए उसी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे बंदूकें वगैरह की दुकानें और छुरियाँ वगैरह भी रखती है यहाँ पे, तलवार वगैरह सब कुछ मिलते हैं यहाँ पे दोस्तों। और
जैसे मतलब कि किसी को देसी कट्टा वगैरह लेना हो तो यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मंदिर का मेन द्वार है जहाँ पे दुर्लभ केशव और सोमवार को आता था। और दोस्तों जो सामने मंदिर देख रहे हो वही मंदिर है दोस्तों, ये प्राइवेट मंदिर है, इसलिए मैं आपको यहीं तक का सफ़र दिखाना चाहता था, बस यही मंदिर था वो। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों ये प्राइवेट मंदिर होने के कारण यहाँ पर अनुमति नहीं दी गई है, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री महाकालेश्वर।